आज हम लोग सीखेंगे स्मार्ट इन्वर्टर फ्रिज यानी स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर फ्रिज में हम गैस किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, किस प्रकार से अगर किसी भी फ्रिज में R600 गैस चार्ज करनी हो तो हम कर सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली समझने वाले। गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले ले लेते हम एक बोर्ड और एक R600 का कैन और इस कैन पे लगा लेंगे अपना सिलेंडर वाल्व। और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी एक वैक्यूम पंप की, क्योंकि हम सिर्फ वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। और इसके अलावा ले लेते हम अपना गेज, और ये जो गेज है हमारा कंपाउंड गेज है, सिर्फ एक गेज से हम काम करने वाले हैं। यहां पे हम मैनिफोल्ड गेज भी यूज कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड गेज लगाएंगे। और ये दो रबड़ की चार्जिंग पाइप जो कि यहां पर हमने पहले से टाइट करके रखा हुआ है, इसको हम खोल सकते हैं। इसके दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। अभी हमें इसमें करना है गैस चार्जिंग। तो गैस चार्ज करने से पहले किसी भी फ्रिज में जब आप गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए कि उसकी जो चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन का मतलब समझिए, तो फ्रिज के अंदर जो पाइपें होती है उसमें कंप्रेसर मोटर होता है, ये है एक मोटर। चलिए इसको हम स्क्रू को खोल के दिखाते हैं। तो इसके स्क्रू को हम यहाँ से खोल लेते हैं ताकि आपको कंप्रेसर अच्छे तरीके से दिख सके और आप समझ सके कि इसके अंदर कंप्रेसर कैसा होता है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, खोल लिया और हटा दिया। और ये देखिए कंप्रेसर कितना छोटा सा कंप्रेसर है, लेकिन हाँ काम बहुत करता है। कंप्रेसर छोटा साइज है, ये LG का कंप्रेसर है। इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर देखने में लग रहा है ना छोटा सा, लेकिन काम बहुत करता है, मेहनती बहुत है ये। अब इसका काम क्या होता है, ये गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। हमारे सभी कंप्रेसरों का जैसे काम होता है वही काम इसका होता है। और हाँ ये किसी से कम नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी से कम प्रेशर फेंकता है, उतना ही प्रेशर बना पाता है छोटा कंप्रेसर होने के बाद। और उसके बाद भी क्वालिटी बताएं, इसकी तीनों पिनों को अगर मल्टीमीटर से चेक किया जाए ना तो तीनों पिनों का मान बराबर होता है, यानी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, ये सभी के साथ बराबर व्यवहार करता है। जबरदस्त कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। फ्रिज के अंदर PCB इसके अंदर लगी होती है, वो जल जाती है, कभी खराब हो जाती है, उसके अंदर किट खराब हो जाती है, लेकिन ये कंप्रेसर खराब नहीं होता। बहुत वैल्यू वाला कंप्रेसर है, कभी ये कंप्रेसर खराब नहीं होता, जल्दी से बहुत दिनों तक चलता है। दूसरी बात, अगर खराब हो जाए ना तो मार्केट में जल्दी मिलता भी नहीं है, कहीं बिकता ही नहीं है, कोई खराब ही नहीं होता तो दुकानदार इसको बेचते भी नहीं। इसीलिए चलिए हमें करना इसके अंदर गैस चार्ज। तो इसके अंदर जो पाइपें हैं, एक पाइप देखिए ये डिस्चार्ज लाइन है। कैसे पहचानेंगे डिस्चार्ज लाइन, जो पाइप इस कंडेंसर के साथ जुड़ी होगी, इस लोहे की जाली के साथ जुड़ी होगी, उसको बोलते हैं कंडेंसर, तो वही होगी डिस्चार्ज लाइन। और जो पाइप अंदर से आई होगी, एवापोरेटर से आई होगी, वो पाइप होती है हमारी सक्शन लाइन। लेकिन हम यहां से चार्जिंग लाइन का यूज करने वाले हैं। चार्जिंग लाइन से गैस चार्ज करने के लिए यहां पर हमने खोल लिया नट को। ये जो नट है इसको हम बोलते हैं NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व। इस नॉन रिटर्न वाल्व को देखिए हमने खोला और इस पिन को पहले दबा के चेक करेंगे, देखें गैस निकल रही कि नहीं। देखो भाई, देखिए ये गैस निकल रही है ना, तो इस तरह से गैस निकल रही है। अगर किसी फ्रिज से ऐसे खोलने से गैस निकल रही हो तो मतलब साफ है कि भाई कहीं इसके अंदर लीकेज बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कोई लीकेज नहीं है। क्योंकि अगर लीकेज होता तो गैस पहले से निकल जाती। इसके अंदर हम खोल रहे हैं गैस, इसका मतलब है कि लीकेज नहीं है, यानी वैक्यूम करके सीधा गैस चार्ज किया जा सकता है। यहां पर देखिए हम सबसे पहले NRV को ऐसे ही खोल करके निकाल लेते हैं, इस तरह से इसको ढक्कन को खोल के निकाल लेते हैं। इसके अंदर से देखो ये निकला खजाना, इसके अंदर से ये है इसकी पिन। अभी इस पिन को यहां पर रख देते हैं, आगे इसका काम है। अगर चाहे तो इसको हम लगा ही देते हैं, क्योंकि वैक्यूम करना है ना, तो हम इसको लगा देते हैं इसी में। क्योंकि अगर हम निकाल देंगे और फिर से गैस चार्ज कर दिए, गलती से अगर भूल गए लगाना तो पाइप को पिंच करना पड़ जाएगा, इसलिए पिंच करने से अच्छा है कि हम इसकी पिन को यहां लगा ही देते हैं। अब देखिए इसके अंदर की गैस को तो हमने उड़ा दिया, हमें क्या करना है इसका वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप हमने आपको दिखाया था, यह एक मोटर है। आप अगर इस पंप को नहीं लेते हैं तो वर्कशॉप कंप्रेसर भी लेकर के वैक्यूम पंप बना लेते हैं। हमने इसको नीचे रख दिया, बिल्कुल नीचे, इसकी जगह जमीन पे ही है, यानी हर समय मिस्त्री के काम के आने वाली चीज है, इसलिए यहां पर रख दिया। और ये इसका प्लग को लगा देते हैं बोर्ड में, और बोर्ड में लगा करके कर देते हैं इसको चालू। देखिए बिल्कुल चालू हो गया, ये बिल्कुल तुरंत तैयार हो गया। लेकिन इसके अंदर एक बटन भी है, यहां से हम बटन को बंद कर लेते हैं, ये बिल्कुल बंद है। अब हमें लगाना है अपना गेज। तो ये हमारा है गेज, और गेज का देखिए, गेज में जो पाइपें लगती हैं वो एक साइड में है, एक नीचे है। तो जो पाइप नीचे है उसका निचला सिरा हमें इस फ्रिज के साथ कनेक्ट करना होता है, यानी निचला सिरा जो है वो गेज की सुई के साथ संपर्क में होता है। इसलिए गेज का निचला सिरा यहां पर हम लगाएंगे अपने NRV की तरफ, और यहां पर देखिए NRV में लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। तो यहां पर ये नट लगाया हमने, और इस नट को पूरी तरह से देखिए टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से।
कभी जबरदस्ती घुमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो पाइप है ना बड़ी कमजोर होती है, नाजुक सी पाइप है, अगर आपने इसको तेजी से घुमाया ये पाइप मुड़ जाएगी, टूट जाएगी और ये फिर लीकेज हो जाएगा और फिर से वेल्डिंग करना पड़ जाएगा। हमें क्या करना है, अभी ये हमें वैक्यूम करना है, तो ये हमारी दूसरी पाइप और इस पाइप को यहां पर लगाएंगे। देखिए कि वैक्यूम पंप का यही तो एक पॉइंट है जो सोखता है यानी गैस को खींचता है, तो यहां से हम इस पाइप को लगा देते हैं जो हमारी दूसरी पाइप है इसी में, और लगा करके फाइनल हम इसकी वैक्यूम कर लेते हैं। तो देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर में हमने पाइप को लगा दिया और इस प्रकार से कंपाउंड गेज को जोड़ दिया। बिल्कुल देखिए साइड वाला सिरा हमारे वर्कशॉप कंप्रेसर में और निचला सिरा हमारे फ्रिज में जुड़ गया। कंपाउंड गेज हमारा इस प्रकार से जुड़ चुका है, हैंडल को ढीला कर देना है क्योंकि गैस खींचना ना है, तो हैंडल को ढीला करेंगे तभी तो हवा खींच पाएगा, हैंडल टाइट रखेंगे तो कहां से खींचेगा। अब हम इसमें अपने ये वैक्यूम पंप को चालू कर देते हैं, बिल्कुल चालू हो गया। और ये सुई देखिए यहां पर गेज के अंदर जो सुई है वो देखिए जीरो से लेके ये माइनस की तरफ जा रही है और ये पहुंचेगी कहां, -30 पे। ये जो ग्रीन कलर आप देख पा रहे होंगे ना ये -30 का पॉइंट है, यहां हमें पहुंचाना है। इसके अलावा देखिए ये -30 है ना, यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल नजदीक से देखिए, इसके अंदर देखिए सुई -30 पे पहुंच चुकी है, तो समझिए वैक्यूम बढ़िया तरीके से हो गया। लेकिन हां 2-3 मिनट और टाइम बढ़ा करके चला लीजिए। और इसके बाद अगर ये जीरो पे जो पॉइंट है रेड कलर का, ये जीरो होता है, जीरो के बाद वाला जो पहला वाला रेड होता है ना उसको हम 5 बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां नजदीक में ही 50 है, तो जीरो के बाद 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये 50 आ जाता है। हमें जो अभी सुई -30 पे ले जानी है, तो सुई -30 पे जा चुकी है। जब ये -30 पे हो जाए या 2-3 मिनट 5 मिनट टाइम हो जाए तो हम क्या करेंगे, गेज के हैंडल को सबसे पहले टाइट कर देंगे। हैंडल टाइट करते देख रहे हैं ना इसकी हालत खराब हो जाती है, आवाज में तुरंत बदलाव आ जाता है, सोचता भाई हुआ क्या, क्यों अब गैस नहीं आ रही है, तो इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। अब हमने इसको निकाल दिया और वैक्यूम कर लिया, सुई -30 पे रुकी हुई है। अब यहां से जो हमने टाइट किया हुआ नट है इस नट को खोल करके निकाल लेते हैं, और देखिए ये नट हमारा निकल चुका और सुई -30 पे रुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे R600, ये देखिए इसके अंदर जो गैस प्रयोग की जाती है R600, और यहां पर लगा करके इसके नट को यहां से हम टाइट कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे ताकि इसके अंदर से बिल्कुल भी लीकेज ना हो। तो इस प्रकार से हमने लगा लिया R600 का कैन और बिल्कुल देखिए गैस चार्ज करने के लिए रेडी। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये जो कंप्रेसर है ना अब हम इसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए ये फ्रिज की हमारी मेन लीड है, मेन लीड को हम प्लग में लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। अब समझिए ये जो कंप्रेसर है, हमने स्विच तो ऑन कर दिया, तो ऐसा नहीं कि कंप्रेसर तुरंत चालू हो जाएगा, बहुत समझिए नाटकीय कंप्रेसर है, कम से कम 3 मिनट और 15 मिनट में जाकर के तो ये स्टार्ट होता है। ऐसा कंप्रेसर मोटर है कि 3 से 15 मिनट इंतजार करवाएगा, और इंतजार करिए इसको, बिना इंतजार किए ये तत्काल में चालू नहीं होता है, तो इसके लिए कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, तो यार टाइम बर्बाद करवाने की बात है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये 3 मिनट के बाद क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इसकी पीसीबी जनरेट करती है करंट 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए ये कंप्रेसर मोटर 3 मिनट तक हमें अब तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये भी जरूर नहीं 3 मिनट में चालू हो जाएगा, कभी कभी 15 मिनट का टाइम ले लेता है, तो हम इसको इंतजार करते हैं चालू होने का। और जब तक चालू हो रहा है तब तक एक प्रक्रिया और कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहां से देखिए गैस को हम क्या करें, एक बार थोड़ा सा खोलते हैं। देखिए ये जो हैंडल है ना, हैंडल को हमने टाइट कर रखा है, सबसे पहले गैस को हम थोड़ा सा खोलते हैं, ऐसा नहीं गैस खोलेंगे तो यहां से सुई ऊपर उठेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए गेज के हैंडल को हम यहां से ढीला करेंगे, और जैसे ही ढीला करेंगे यहां से देखिए हमने टाइट करने वाला है ना ये गेज, कुछ गेज ऐसे होते हैं कि ढीला करने पे गैस निकलती है, कुछ गेज का हैंडल ये सिलेंडर वाल्व की क्वालिटी होती है, तो कुछ में ऐसे टाइट करने पे गैस निकलती है। ये जो हमारा सिलेंडर वाल्व है इसको टाइट करने पे गैस निकलेगी, क्योंकि ये पहले से ढीला था, तो यहां पर हमने इसको टाइट कर दिया मतलब गैस निकलना शुरू हो जाएगी। और ये जो नट है इसी पाइप का दूसरा सिरा, यहां से हम क्या करें, यहां से थोड़ा सा ढीला करें, थोड़ी सी ढीला करेंगे गैस को उड़ा देंगे। गैस को हम क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि इस पाइपों का वैक्यूम देखिए ऐसे भाप के जैसा उड़ रहा है ना, तो ये होता है हमारा गैस और क्वालिटी। तो इससे हम क्या करते हैं, हवा को उड़ाए हैं, यानी ये जो पाइप है इसके अंदर ना हवा, उस हवा को बाहर निकालना पड़ता है, अगर हवा इसमें रह जाए ना तो चोक बना देती। चोक का मतलब समझते हैं, वातावरण की हवा अगर पाइप के अंदर है और फिर से उसी में फ्रियान गैस यानी यही ठंडी वाली गैस गई ना, उस हवा को कहती तुम यहां कहां से आ गए, इतना ठंडा करती है ना, वो हवा ठंडा हो करके बिल्कुल बर्फ बन जाती है, और जब वो बर्फ बनती है ना तो पाइप में कहीं जाम कर देती है, और जाम कर देती है तो गैस का बहाव रुक जाता है, और जब बहाव रुकता है तो हमारा कूलिंग नहीं करता, तो हमारा नुकसान होता है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, कंप्रेसर को इंतजार करना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार गैस को खोल देते हैं। देखिए सुई जीरो पे रुकी हुई है, यहां पर नजदीक दिखाइए, ये जो सुई है -30 पे रुकी हुई है, देखिए
-30 पे रुकी हुई है, हैंडल को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे, देखिए सुई ऊपर जाएगी, फिर इसको हम टाइट कर देंगे। ज्यादा ढीला नहीं करना है, ज्यादा गैस को नहीं खोलना है, थोड़ी सी गैस को खोल करके इंतजार करते हैं और देखते हैं कि अब ये कंप्रेसर कितनी देर में स्टार्ट होता है। अभी तक तो 2 मिनट हो गए, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन ये 3 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए इंतजार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये कंप्रेसर फाइनली चालू हो गया और चालू होने में इसको टाइम जो लगा है ना 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा पूरा, कम से कम चालू तो हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए जो हमारे गैस का हैंडल है वो तो हमने खोल के छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके हैंडल को फिर से ढीला करते हैं। यहाँ पे सुई को नजदीक से दिखाइए, हैंडल को हम यहाँ पे ढीला करेंगे और सुई ऊपर बढ़ेगी। देखेंगे जैसे ही ढीला करेंगे सुई ऊपर बढ़ेगी और फिर से हम टाइट कर देंगे, सुई नीचे आना शुरू होगी। देखिए फिर से सुई माइनस में चली गई ना, हमें इसकी जो सुई है वो जीरो पे करना है। देखिए R600 ये जो गैस है, जो इसके अंदर R600 गैस है, देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो 600 गैस है ना, इसका रनिंग प्रेशर होता है मात्र 0 to 1, यानी जीरो पे अगर ये सुई रनिंग के टाइम पे चलते समय में अगर पहुंच गई तो समझिए इसके अंदर पूरी गैस चार्ज हो गई। यहां से देखिए ऐसे ढीला करेंगे और ढीला करेंगे, जैसे ही ये सुई ऊपर उठेगी और फिर से टाइट कर देंगे, देखो फिर से धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। और हमें करना कहां है, जब ये सुई जीरो पे रुक जाए या फिर जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल पॉइंट के बराबर ऊपर है, समझिए गैस चार्ज हो गई। लेकिन अभी क्या, अभी तो ये सुई माइनस में ही जा रही है ना। चलिए इसको फिर से खोलते, जैसे ही हमने फिर ढीला किया एक बार हैंडल को, फिर से टाइट कर देते हैं और देखते हैं अब की बार जब ये सुई नीचे जाती है तो कितना नीचे जा पाती है। देखिए ये जीरो पे फिर से पहुंच रही है, लेकिन क्या जीरो से नीचे जा रही है, अरे देखिए ये तो जीरो से भी अभी फिर भी नीचे जा रही है। देखिए इस तरह से जीरो से भी नीचे जा रही है फिर से। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके हैंडल को ढीला करेंगे और ऐसे ही ढीला करके फिर से इसको हम टाइट कर देंगे। अब की बार देखते हैं ये कहां तक सुई पहुंचती है और किस प्रकार से कहां जाकर के रुकती है। देखिए बिल्कुल हमें जीरो पे रोकना है या फिर जीरो से थोड़ा सा ऊपर रोकना है, लेकिन जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये सुई देखते हैं कहां जा रही है, और देखिए अभी भी फिर से ये जीरो पे जा, जीरो के नीचे जा रही है। देखिए बिल्कुल जरा सा देखिए कि फिर से जीरो से नीचे जा रही है इस तरह से। अभी हमें फिर से हैंडल को ढीला करते हैं, इसके हैंडल को फिर से ढीला करते हैं और फिर से इसको हम अभी टाइट कर देंगे। इस तरह से हैंडल को ढीला करेंगे और टाइट करेंगे, और ये जो क्रिया है ना 4 से 5 बार करेंगे अगर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो। अगर देर तक ओपन कर देंगे तो 1, 2, 3 बार में भी हो सकता है। यहां पर देखिए अब ये सुई देखिए जीरो से है ना, जीरो से थोड़ा सा ऊपर देखिए रुकी हुई है, और देखिए अभी ये सुई धीरे धीरे नीचे की तरफ तो जा रही है लेकिन पूरा नीचे नहीं जा रही। देखते हैं कितना नीचे जाती है और क्या ये सुई यहीं पे रुक जाती है। तो देखिए अब ये सुई यहां से नीचे नहीं जा रही है, देखेंगे इस तरह से ये जीरो पे रुकी हुई है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर रुकी हुई है और ये सुई वहीं पर रुक गई, अब उसके नीचे नहीं जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो गैस चार्ज करना था, जो हमारा R600 गैस है, वो चार्ज हो चुका है। जब ये गैस चार्ज हो जाए, ये सुई जीरो पे रुकने लगे, इसके कंडेंसर को टच करिए, देखिए हीट भी होने लगेगा, ये गर्म होने लगेगा। और कंडेंसर, ये कंडेंसर तो जितना गर्म होगा इवापोरेटर उतना बेटर ठंडा होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हैंडल को टाइट कर देंगे, यानी जो हमारी गैस निकल रही है वो ना निकले, यानी इस गैस को हमें हटा देना है। यानी यहां से हमने इसको ढीला कर दिया, हैंडल को खत्म कर दिया, ऑफ कर दिया, और उसके बाद जो गैस पाइप की है उसको एक बार हम ऑफ खोल देते हैं ताकि वो पाइप वाली गैस इसके अंदर चली जाएगी। पाइप वाली गैस जब हमारी अंदर चली जाए तो फिर से हम क्या करें, हैंडल को टाइट कर देते हैं। हैंडल को टाइट करने के बाद ये जो हमने एनआरबी में लगाया हुआ है पाइप, मैं यहां नजदीक से दिखाइए, ये जो एनआरबी में पाइप लगाया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहां से ढीला कर लेंगे, और ढीला करने के तुरंत बाद ये जो एनआरबी का ढक्कन है इसको लगा करके बिल्कुल बढ़िया से टाइट कर देते हैं। पिन को भी टाइट कर सकते हैं अगर वो ढीला है तो, बाकी इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारी फ्रिज है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है इसका कंडेंसर, और आगे जो इसका इवापोरेटर है वो ठंडा भी होगा। देखते हैं आगे इसका इवापोरेटर का क्या हाल है और ये कैसा अभी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अपना चैनल, और इसके अंदर दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से इवापोरेटर इसका, और इवापोरेटर पे देखिए हल्की सी बूंदे वगैरह के रूप में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अभी तो क्या, अभी तो कूलिंग की शुरुआत है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कूल कूल आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा है। इसके अंदर के इवापोरेटर से देखेंगे कुछ आवाज आती है, चलिए आवाज सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आवाज अगर ऐसी आप सुन पा रहे होंगे तो समझिए ऐसी आवाज अगर आ रही है ना इवापोरेटर से, जबरदस्त आवाज होती है और काफी अच्छा लगता है ये आवाज सुनने में। जो मिस्त्री होते हैं ना उनको इस आवाज से बहुत प्यार होता है, समझिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में, यानी कि ये सक्सेसफुल की आवाज अगर इस तरह की जब आवाज आने लगती है। तो इस तरह से हमारा जो हमारा फ्रिज है यानी इन्वर्टर फ्रिज है उसमें हम गैस चार्ज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर फ्रिज से रिलेटेड यानी गैस चार्जिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचता है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।